नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। भारतीय कंपनी टाटा स्टील ब्रिटेन के अपने घाटे के कारोबार को बेचने की योजना बना रही है, जिससे हजारों कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि वो ब्रिटेन के स्टील कारोबार की आंशिक या पूर्ण बिक्री कर सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 1 अप्रैल से निष्क्रिय यानी बंद पड़े खातों पर ब्याज देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से 9 करोड़ खाता धारकों को लाभ होगा, जिसमें 32,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा है। बीते दिन ही सरकार की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि कोष के निष्क्रिय खातों पर भी ब्याज देने की स्वीकृति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस समय नाराजगी जताई जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने निवेशकों का धन नहीं लौटाने पर सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को जेल भेजे जाने के न्यायालय के अधिकार पर ही सवाल उठा दिया और सिब्बल से तथ्यों और कानून के आधार पर जिरह करने को कहा। आस्था और भक्ति का महापर्व सिंहस्थ, लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र सिंहस्थ 12 वर्षों बाद आएगा 22 अप्रैल से 21 मई 2016 के बीच उज्जैन में। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। देश में कैंसर का इलाज करने वाली देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चैन हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस की लिस्टिंग खराब हुई है। एनएससी पर हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस का स्टॉक 3.5% के डिस्काउंट के साथ 210 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस का शेयर 175 रुपए के निचले स्तर तक लुढ़क गया था। फिलहाल कंपनी का स्टॉक 9% गिरकर 191 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। छोटे कारोबारियों के लिए बैंकों से लोन मिलना आसान होने वाला है। इसके लिए मोदी सरकार नया रेटिंग फॉर्मूला लाने जा रही है। नए फॉर्मूले में कारोबारियों की फाइनेंशियल स्थिति के साथ साथ उनके ऑपरेटिंग डिटेल्स को भी जगह मिलेगी। ऐसा होने से बैंकों के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे छोटे कारोबारियों को लोन देना आसान हो सकेगा। बैंकों से छोटे कारोबारियों को कर्ज आसान मिले, इसके लिए फरवरी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMSTV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार। आस्था और भक्ति का महापर्व सिंहस्थ, लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र सिंहस्थ 12 वर्षों बाद आएगा 22 अप्रैल से 21 मई 2016 के बीच उज्जैन में। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी।